दो दिन पहले हमने आपको मुंबई की एक कहानी दिखाई थी। एक लड़की को सोसाइटी से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान थी। पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया था। लेकिन आज जो कहानी हम दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि उस लड़की की कहानी तो कुछ भी नहीं थी। दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के वल्लभगढ़ में सैकड़ों मुसलमानों को अपना घर, अपना गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। उनके घर जला दिए गए हैं, उनकी दुकानें लूट ली गई हैं और सरकार चुपचाप ये तमाशा देख रही है। अब 150 से ज्यादा मुसलमान परिवार डर के मारे वल्लभगढ़ थाने में पड़े हुए हैं। ना तो इस दुधमुहे बच्चे को हरियाणा की सरकार से कोई उम्मीद है, ना इस औरत को, ना इस आदमी को और ना ही इस बुजुर्ग को। मनोहर लाल खट्टर की सरकार को वल्लभगढ़ के अटाली गांव के कोई 150 मुसलमान परिवारों की घर निकासी से कोई मतलब नहीं। दहशत ऐसी है कि एक भी आदमी घर जाने को तैयार नहीं है, थाने में बैठे हैं। पुलिस ये यकीन दिलाने को तैयार नहीं है कि आप महफूज हैं। हमारी मांग पूरी होगी तो देखो चले भी जाने कुछ भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, नहीं कोई पुलिस ने पकड़ा था, नहीं कोई सुविधा करी है, नहीं कोई जाने आने की उम्मीद है हमें। पूरे एक हफ्ते हो गए जब उपद्रवियों ने अटाली में मुसलमानों के घरों में आग लगा दी थी। पूरे 20 घर कई दिन तक धू धू कर जलते रहे। खट्टर की पुलिस ने सब कुछ बहुत खामोशी से होने दिया था। इंसाफ चाहिए, हम घर नहीं गए, अभी नहीं गए, जब जाएंगे जब इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ चाहिए, जैसे थे हम वैसे होने चाहिए। हमारी गाड़ी फूंक दी, ट्रैक्टर फूंक दी। इनकी हिम्मत नहीं कि गांव लौटकर देख लें घर का हाल। कहते हैं अभी तो सड़क पर हैं, लौटेंगे तो मारे जाएंगे। सोमवार से ही वल्लभगढ़ थाने में बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। खाने का बंदोबस्त कुछ स्वयंसेवी संगठनों के रहमो करम पर ऊपर से गर्मी ऐसी कि खून भाप बनकर उड़ जाए। हरियाणा के इस हिस्से में न कानून का कोई मतलब है, न सरकार का, न पुलिस का, न फरियाद का और न सुनवाई का। सब कुछ सरकार की नाक के नीचे, आंख के नीचे। लेकिन न मुख्यमंत्री को फर्क पड़ता है, न मंत्रियों को और न बीजेपी वालों को। और जब सरकार को ही फर्क नहीं पड़ता तो अफसरों का क्या है? सैकड़ों बेकसूर लोगों को सड़क पर खड़ा करके चैन की नींद ले रहे हैं। जिस तरह का उस दिन हालात हुए, बहुत बुरा मंजर था हमारी आंखों आगे। छोटे छोटे से बच्चे रजाइयों में बेडों के नीचे इस तरीके से दुबका दुबका कर जान बचाई है हम लोगों ने। हरियाणा की बीजेपी सरकार सैकड़ों मुसलमानों के घरों को जला दिए जाने, उन्हें बेघर कर दिए जाने, उन्हें दहशत में रखे जाने को लेकर कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री एक बिजली घर का उद्घाटन करने वल्लभगढ़ आए थे, लेकिन उजड़े हुए लोगों से मिलने तक नहीं गए। ऐसा नहीं है कि पुलिस को कुछ पता नहीं था। डीएम, एसपी सबको पता था कि अटाली में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कुछ संगठनों ने उन्हें आगाह भी किया था, लेकिन उन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया था। उन्होंने तब तक कुछ नहीं किया जब तक अटाली के मुसलमानों के घर जलाकर खाक नहीं कर दिए गए। उन्होंने गांव नहीं छोड़ दिया, वो शरणार्थी नहीं बन गए। 15 लड़का है जो घर में आए थे मारने के लिए, फिर हाथ जोड़े पैर पकड़े, उसने ना मानी, फिर उन्होंने डंडा बरसा दिया मेरे पास, कानों के कुंडल ले लिए, 60,000 रुपये ले लिए। तो कहाँ जाएं ये लोग मालूम नहीं, यहाँ कब तक रहेंगे मालूम नहीं, इनके रहने खाने का बंदोबस्त कैसे होगा मालूम नहीं। मालूम है तो सिर्फ इतना कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार ने सैकड़ों अल्पसंख्यकों से सम्मान के साथ जीने का हक छीन लिया है। इनमें से हर एक का चेहरा इस देश की आज़ादी पर सवाल खड़े कर रहा है। अगर हम भी उतने ही आज़ाद हैं तो हम अपने घर क्यों नहीं जा सकते? प्रशांत गुप्ता, अटाली, वल्लभगढ़, News 24। खट्टर के राज में लोग बोल रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही।